यह जीत उनको हासिल हो पाएगी। दर्शकों में काफी उत्साह और रेड भी डॉ आई का है, इनके पास फुटवर्क की जादूगरी है और इसको टैकल कर लिया इस बार। कमेंट्री बॉक्स पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उन्हीं के बीच में चमकने वाला एकमात्र और यह देश कर दिएगा ऐसा प्रति हवलदार जी है। मैं क्षमा चाहूंगा सर, और पहले ही रेड में संखनाद कर दिया है परचम लहराने के लिए हरियाणा का ये खिलाड़ी। और वहीं पर ये है चेस नंबर 12 जिन्होंने इंडियन टीम का कैप अटेंड किया था छाया चंद्रवंशी, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और राजनांदगांव की टीम अगर विनर होती है तो उसके लिए 1000 रुपए का पुरस्कार राशि आ चुका है। बेटों से कम नहीं होती बेटियां, और बोनस प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से छाया चंद्रवंशी को जवाबी हमला करना होगा, आक्रमण करना होगा हरियाणा के पक्ष में। निश्चित ही राजनांदगांव को जीत और हरियाणा के लिए भी समर्थक है। हरियाणा की युवाओं से खेल प्रतिभा को जोरदार व्यक्त करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के यह जीत उनको हासिल हो पाएगी। दर्शकों में काफी उत्साह, हजारों की संख्या, एक एक रेड एक एक पॉइंट के लिए तरसते खिलाड़ी और काफी दर्शकों में जो उत्साह है इसे आज मानना पड़ेगा। काफी रात हो चुकी है इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ भीड़, और यही भीड़ यह दर्शाता है कि हमने जो आयोजन किया है वह सफल रहा है, यही एक सफल कार्यक्रम की निशानी होती है। आप सभी दर्शकों का भी, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं बच्चे पुरुष बुजुर्ग सुबह से लेकर अभी तक बैठे, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो राजनांदगांव को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी अगेंस्ट हरियाणा का, और जो लंबे गज का रेडर है अगर बोनस के लिए जाते हैं तो आप उसको अंदर बुलाइए, झांसे में डालिए। और हरियाणा के लिए स्माइल करते हुए कोच साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, हिदायत देंगे बार बार अपने टीम के खिलाड़ियों को, मुस्कुरा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम थोड़ी से राजनांदगांव की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको कोच की अभी कमी है सर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये लंबे गज का जो रेडर है इसको पकड़ लिया माने लाइफ झींगा वाला अटेम्प्ट किया है, एडवांस को और 4 अंकों के साथ अपने आप को स्थापित किया हुआ है। डू आर डाई का मैच है ये, और रेड भी डू आर डाई का है। और यहां से रिवाइवल मिला है और खाता भी खुल गया है राजनांदगांव के लिए। वही हरियाणा के लिए खुशी था नंबर 10 की जर्सी पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जर्सी मानी जाती है भारत के अंदर, क्रिकेट का गॉड रमेश सचिन तेंदुलकर, जिस जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर्ड कर दिया है। अब क्रिकेट में कोई भी इस जर्सी को नहीं पहन सकेंगे, और 10 नंबर की जर्सी पहनने का जो सौभाग्य मिला है खुद को बहुत बड़ी बात है, और है खिलाड़ी उस प्रकार का, ये टच करने का आकर्षण पाया है। खुशी एक बार नजर दौड़ा रही थी कोच साहब की तरफ, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल क्लास लिया जाएगा, छोटी छोटी गलतियां बड़ी मैचों में भारी पड़ जाती है, उससे बचना होगा दोनों टीमों को मैं कहूंगा। और दोनों टीमें मुकाबले की है, टक्कर की टीमें हैं, एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ हमारे छत्तीसगढ़ की टीम राजनांदगांव। छाया चंद्रवंशी की जो मौजूदगी है टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, मनोवैज्ञानिक
जो फायदा है उसके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के काम करेगा। दर्शकों का फुल हाउस है पूरा स्टेडियम में, और वहीं हरियाणा के लिए 5 के डिफेंस में खेल रही हरियाणा की टीम, और नंबर 9 की जर्सी पर प्रीति कॉर्नर पर मौजूद है, तो वहीं तो लंबे गत का ये रेडर, इसको खामोश करना होगा, कंट्रोल करना होगा राजनांदगांव को, इस खिलाड़ी को बहुत बढ़िया, इनके पास फुटवर्क की जादूगरी है, और इसको टैकल कर लिया इस बार टैकल किया है। द ग्रेट फिनाले फाइनल मैच, 25,000 रुपए चमचमाती हुई ट्रॉफी, 24 कैरेट सोना, मिलियन बेबी डॉलर, तो 4 के डिफेंस में खेल रही है अभी भी हरियाणा। निकल गया, कोई बात नहीं, आप नेचुरल गेम खेलिए, किसी भी प्रकार का जो दबाव है उसको आप अपने ऊपर से रिलीज करिए। हर टीम को ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है जिस तरीके से हरियाणा की टीम को मिला हुआ है, और हरियाणा की टीम हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बॉयज की टीम भी बैठा हुआ है, वो भी समर्थन में है अपने टीम के लिए। लेकिन भाई मेरा मानना है छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बड़का देख के डराए मत और छोट छोट देख के झपाए मत, ऐसा ही हरियाणा के खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, हमारे टाइगर सब जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बात है, ये इसीलिए बोला जाता है टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जब तक जिंदा रहेगा केजीएफ जैसे न जाने कितना चैप्टर बनाता रहेगा। तो निश्चित रूप से बोरे और बासी की टक्कर है, लगातार दर्शकों से आवाज आ रही है, छाया चंद्रवंशी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भारत के लिए, कैंप मेंबर रही है, अटेंड किया था भारत के लिए, नेतृत्व करने का सुनहरा अवसर भविष्य में इनके लिए आएगा, काफी डीप जाकर बोनस का अटेम्प किया था, आक्रमण के लिए तैयार है राजनांदगांव की टीम। दर्शक उत्साहित होते हैं बार बार, लेकिन जो कोर्ट पर उतरता है उसके ऊपर तो हमारे कमेंट्री बॉक्स पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनको ध्यान देना, ये है छाया चंद्रवंशी, चंद्रमा के माफिक चमकती हुई, हजारों चांदनी के बीच में चमकने वाला एकमात्र, और यह टेस्ट कर दिया ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन मिड लाइन क्रॉस हो गया है, यहां पर गिनती हो रही है, धड़कन तेज होने वाली है राजनांदगांव की, तीन अंकों का सुपर रेड हो गया है, यहां से समीकरण बदल गया है, अभी भी छाया चंद्रवंशी रेडिंग डिपार्टमेंट में, अभी भी क्या खिलाड़ी है, कमाल करके देते हैं, इसीलिए तो उसका इनाम मिला है इनको, इंडियन कैंप ज्वाइन किया था, इंडियन कैंप में का मेंबर रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी और हमारे राज्य के लिए मैं कहूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि है। टाइम आउट बुलाया है शायद हरियाणा ने, आप ही लोगों का आयोजन है, क्या बोलती है फटगांव की पब्लिक, क्या बोलते हैं फट, पकड़ बनाया है, सुपर टेकल और है, और सुपर टेकल के सिचुएशन में क्या कमाल कर पाएगी राजनांदगांव की टीम, छाया चंद्रवंशी और मुख्य खिलाड़ी जितने भी हैं कोर्ट के बाहर भी बेंच पर मौजूद है, और जब तक छाया का वापसी नहीं होगा मजबूती नहीं मिलेगी, भगवान
ना मत हुंडर करो धीरे से। हाँ, डिस्टर्ब ना करें, मैं सिर्फ कैप्टन बोलेगा, टीम का कैप्टन बोलेगा। बेहतरीन कोच साहब बार बार हिदायत दे रहे हैं बच्चों को, खेले कहाँ पर गलती हुई थी, उसको कहाँ पर सुधार करना है, इतना एक्सपीरियंस और मैं कहूँगा अनुभव का खजाना हरियाणा के लिए। चेयर पर बैठे हैं कोच साहब हमारे हरियाणा के लिए। और भाई इस खिलाड़ी को वापसी करवाना होगा, रिवाइवल कराना होगा, बराबरी पर है दोनों टीमें। आफू नंबर 9 मुख्य हथियार है हथियारा हरियाणा के लिए, दो धारी तलवार है। अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और डेंजर जोन में चली गई और फिर से अटैक के लिए। घर जावे की टाइम में नहीं। आप शांति व्यवस्था बना कर रखो, कमेंट नहीं करेंगे आप, एंजॉय करिए, मैच देखिए, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। जवाबी आक्रमण पर ये खिलाड़ी वापसी करवा दी, बोनस प्लस टू पॉइंट, 3 अंकों का रेड किया है, सुपर रेड कर दिया है, लेकिन रिवाइवल मिला है, रिवाइवल मिल गया है राजनांदगांव को। 3 का डिफेंस है कोर्ट के ऊपर, लेकिन ये खिलाड़ी अनहोनी को होनी करने का मारता है इनके अंदर। नंबर 9 तब से कबड्डी का नियम मुकर्रर हुए हैं और इस नियम से कोच साहब पे अनभिज्ञ नहीं है, अनुभव के खजाना है उनके पास, लेकिन खेल का जब उत्साह, जब इंजन गर्म होता है तो हर कोई बोल पड़ता है, इसीलिए ग्रीन कार्ड का सिग्नल आ गया था, लेकिन मैनेजमेंट की कमी उनके पास भी नहीं, लेकिन बच्चों को हिदायत दे रहे हैं इनके बच्चे, अपने खिलाड़ी जब फिर परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते तो आवाज निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है। काफी एडवांस टेकल ही मैं कहूंगा, वाक लाइन के बाहर निकलकर टेकल किया था 2 नंबर के खिलाड़ी ने, और सबसे मुख्य हथियार है हरियाणा के लिए, खिलाड़ी के ऊपर है जिम्मेदारी नंबर 4 की जर्सी पर वापसी कराने के लिए। अभी भी दोनों टीमें बराबरी पर है तो निश्चित रूप से कोई किसी को ऊपर भारी नहीं निकल गया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापसी का शंखनाद कर रही है। अब इसके बाद छाया का नंबर आएगा वापसी करने के लिए, और उनका वापसी हो गया तो निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करेगी अपने टीम को। सुपर टैकल आ रहे हैं, इसको अगर पकड़ लिया तो 2 अंक और मिलेंगे, और 2 अंकों के साथ 2 अंकों का फासला है वो आपके पक्ष में। हेलो, और कौन सी है? मनोज चंद्र, कॉन्फिलेशन हो जाएगा आपके दीजिए। मनोज चंद्र जी, ड्यूटी सीट आप लेकर के गए थे उसको वापिस कर देंगे, मनोज चंद्र जी ड्यूटी सीट वापिस कर देंगे। और आक्रमण पर स्ट्रगल पर नंबर 4 की तरफ से, और अभी भी सुपर टैकल ऑन है, और सुपर टेकल का जो एडवांटेज है क्या उसका लाभ ले पाएगी राजनांदगांव की टीम, ये देखना दिलचस्प होकर। रायबैंड की कहानी एक ऑन भी जो है दोनों टीमों के बहुत बेहतरीन चल रही है, अरबी घोड़े के माफिक टक टक। एक तरफ हरियाणा तो दूसरे तरफ राजनांदगांव, 14-13 के मुकाबले तो कड़ी मुकाबले दोनों टीमों के बीच में कांटे के टक्कर। हरियाणा का भी जो लंबे गत कर रेडर है वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके अपने टीम के लिए वापसी कराई है अपने टीम को। अरे डू ऑर डाई आ गया है, करे वो मना की है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, हैंड टच करने में सफलता मिली है।
और दो आढ़ाई का जो खतरा था वो खारिज हो गया है 14-14 के मुकाबले। एक तरफ नंबर चार तो दूसरी तरफ नंबर नौ की तरफ पर खेल रही वंशिका। ये भी डुआन आई आ गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, काफी डीप जाकर डो टच करने का प्रयास था। वंशिका की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है, वो भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, डिफेंस भी बहुत अच्छे से कर लेती है, इसीलिए डमी के साथ में जुगलबंदी करती हुई चैन में दिखाई दे रही है। बोनस मिल गया है और अंकों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट करके रखा हुआ है। अभी भी एक ही अंकों का बढ़त है राजनांदगांव के पास, लेकिन उसको अपने पक्ष में मोड़ा है। वंशिका रेड पर है हरियाणा के लिए, हौसला अफजाई कर रहे हैं दिल्ली के सभी खिलाड़ी ब्रदर, साथ में कोच महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी हौसला अफजाई के लिए। आपकी टीम है बिल्कुल हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन कमेंट्स नहीं करेंगे, जो लीगल हो वही चीज बोलिए आप, नहीं तो ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया है। और वापसी हो गया है, जिसका हमें इंतजार था उसका वापसी हो गया, छाया वापिस करी है कोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से मजबूती मिली है राजनांदगांव को। और फर्स्ट हाफ के खेल में अभी भी आज हमारे यह मुख्य मंच जो सुसज्जित दिख रहे हैं, यह कार्यक्रम इन्हीं महान हस्तियों के द्वारा सहयोग प्रदान करने के कारण ही हम यह आयोजन सफल कर पाते हैं। काजल, काजल ने आंखों से काजल चुराने का काम किया है, इस बार लोना प्राप्त कर लेगी, इस बार लोना प्राप्त कर लेगी हरियाणा के टीम जाते जाते, और निश्चित रूप से एक आग दो अंकों का लीड भी प्राप्त करेगी। यहां पर दो अंक 19-18, तो एक अंकों की बढ़त है जो बहुत बड़ी नहीं है, और पलक झपकते ही समीकरण बदल जाएगा स्कोर बोर्ड पर 19-19 के मुकाबले, तो कोई भी टीम एक दूसरे से कमी नहीं है। एक तरफ छाया चंद्रवंशी तो दूसरी तरफ वंशिका नंबर 9 की धरती पर, दोनों की टक्कर है, दोनों स्टार खिलाड़ी हैं। और बेटियों के खेल में कौन से बेटे सिरोमौर होगी, हरियाणा से या हमारे राजनगर छत्तीसगढ़ से, यह देखना दिलचस्प होगा। नहीं मिला है, अगर क्रास हो जाता तो पूरी की पूरी बोगी खाली हो जाते राजनांदगांव की, लेकिन डिफेंस ने इतना बेहतरीन काम करके दिया है, वो काबिले तारीफ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक मैच पर नजर गड़ाए हुए देख रहे हैं हमारे टीआई सर, लगता है इनाम लगाने की मंशा बना रहे हैं, लगाएंगे लगाएंगे जरूर लगाएंगे, उसका दिमाग जो है चल रहे हमारे महोदय जी का। मैं सर सैल्यूट करता हूं, 21 सोमों की सलामी आपको, नहीं लड़ाई नहीं होगा सर, ₹1000 रखिए दोनों, हमारे ही देश के बच्चियां हैं दोनों टीमों में, और आप जैसे महान हस्ती आशीर्वाद देते हैं तो आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं सर, कुछ नहीं होगा सर। हरियाणा टीम अगर जीतेगी तो ₹1001 24 कैरेट सोना मिलियन बेबी डॉलर, और यहां पर तकमा खा गई। लोना का मांग कर रही है लगातार, दर्शक की मांग है, एक से एक बढ़कर हमारे बीच में सीधे पेटे मौजूद है स्टेडियम के अंदर में, तो यहां से सुपर टेकल ऑन है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा हरियाणा के विरुद्ध में लोना प्राप्त करना आसान नहीं होगा, और इतना मुश्किल भी नहीं होगा, मैं कहूंगा जिस तरीके का खिलाड़ी है राजनांदगांव के टीम में, तो उतना मुश्किल भी नहीं होगा। लीडर कमजोरी को ताकत बनाता है और रास्ते के बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है, मिट्टी में डूबे बगैर गुलाब नहीं होता, और यूं ही मुट्ठी बांध लेने से इंकलाब नहीं होता,
यूं ही पैदा नहीं हुए थे नेहरू जी गांधी जी जनाब भगत सिंह, अपने आप को सर कटा देने का गौरव हासिल प्राप्त किया है इस धरती के लिए, मातृभूमि के लिए। आप इतने अच्छे कमेंटर हैं कि हमारे मुख्य अतिथि छोटू दादा भैया के द्वारा घोषणा हुआ है कि आपके लिए 1,000 रुपए का ठोको ताली एक बार भेंट आ गया है हमारे पास। ये मेरे लिए नहीं है, ये भड़गांव के सरदेमी में जो हुआ है आयोजन, और जहां तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला है उस पर मुझे नाज है। एडू आड़ आई आ गया है, दुआड़ा आ गया है। कबड्डी के सुरण भूमि में बड़े से बड़े योद्धा आते हैं और चले भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक और करामात, एक करिश्मे की जरूरत हमें कहूंगा। और इतना मुश्किल नहीं होगा, ये भी दुआड़ा है। बोनस का अटैप किया और सुरक्षित तरीके से हुआ है या नहीं इसका सिग्नल आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर हुआ। बोनस का साफ नियम है, एक पैर बोनस पट्टी के अंदर और दूसरी हवा में होनी चाहिए, तब बोनस होता है। और जो कबड्डी का खेल आप लोग देख रहे हैं, यह है खेल, यही तो परिभाषा है कबड्डी का। दो अंक मिला है 2324, तो ऑल आउट का जो खतरा था मंडरा रहा था उसको हटा दिया है हरियाणा ने, और मुख्य हथियार छाया जो थी उसको शिकार बनाया है। और देखना ये दिलचस्प होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि छाया जी को वापसी करवा पाती है या नहीं, कितना देर लेगा गोसो वापसी कराने के लिए, देखना दिलचस्प होगा। उनको सक्षम भेंट है। अरे मैडम के लिए ठोको ताली एक बार। और एक अंक, एक अंक प्राप्त किया है। 25-23 के मुकाबले छाया चंद्रवंशी की वापसी हुई है, तो एक बार धैर्य सिलेक्ट करना होगा। नंबर 4 की खिलाड़ी इस बार है, तो ये मौका नहीं देना चाहेंगे, एक गलती हो गई थी छाया से, उसको नहीं दोहराना चाहेगी राजनांदगांव। ये डुबकी लगाया और नैया बेड़ा पार हो गया। काजल हरेकर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है हरियाणा के लिए, कितने खिलाड़ी। उन्तीस 24, कोच मौजूद है, हिदायत दे रहे हैं, बहुत ही सीनियर नेशनल लेवल के कोच हैं, बेस करने का प्रयास था लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली। अभी भी 7 मिनटों का खेल आना बाकी है, तो संयम रखना होगा, राजनांदगांव को संयम रखना होगा और टेकल करने का प्रयास में अपना अंक गंवा बैठे। नंबर 1 की जर्सी में एडवांस टेकल के लिए ना जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापसी कर सकती है यहाँ से हरियाणा। वंशिका है रेड पर, अगर ये चल गई तो निश्चित रूप से खतरे का सबब होगा, और उसको टेकल कर लिया गया बेहतरीन तरीके से। और पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया है जो बढ़त बनाया था राजनांदगांव ने उसको। वंशिका बाहर गई है, कोर्ट के बाहर चली गई है। मुख्य रेडर है हरियाणा के लिए वंशिका, लेकिन राजनांदगांव के लिए नंबर 4 की जर्सी ने जो करामात किया है, जो कमाल किया है,
वो काबिले तारीफ है, देखते ही बनता है। पर्ची आउट करने का प्रयास था लेकिन टाइम आउट लगभग बुलाया। इस जीत को हम उसको समर्पित करते हैं, एक बार बजाओ तालियां जोरदार बर्थडे बॉय बर्थडे मैन के लिए मिस्टर श्याम चंदन जी को। समर्पित नहीं करते उसको, मुबारकबाद देते हैं जीत के साथ में, ये उनके लिए गिफ्ट है, ये उनके लिए गिफ्ट है, जीत के साथ में उनको हम बधाई दे रहे हैं बिलासपुर की तरफ से। और मैं मानता हूं इससे बड़ा गिफ्ट हमारे पास होता भी नहीं, और ये अवसर मिला हमको बधाई देने का, ये बहुत बड़ी बात है हमारी टीम के लिए। और बहुत बढ़िया खेल का मुजाहिरा, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है राजनांदगांव ने। और वहीं पर करिश्माई प्रदर्शन हरियाणा भी कर रही है। 27-34 के मुकाबले 5 मिनट का खेल आना बाकी है, अभी भी 5.5 मिनट का, तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। ताजा खेल है कबड्डी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पलंग झपकते ही समीकरण बदल जाता है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर मार्केट सोने का रेट बदलता है, पल में तोला पल में मासा। तो उससे रूबरू आपको मैं कराना चाहूंगा, ठीक उसी प्रकार इस स्कोर बोर्ड में समीकरण बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। गलती हो गया है कॉर्नर से, खेल है कबड्डी, जोश का खेल है, होता है गलती होना प्रकृति है, गलती होना प्रकृति है, और उसको सुधार लेना संस्कृति है, और जो सुधार लिया उसी का उन्नति है। निश्चित रूप से यहाँ पर छाया चंद्रवंशी कंसोलिडेट करना चाहेगी, अब अपने आप को सुनिश्चित करना चाहेगी बोनस के साथ में, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बोनस हुआ है या नहीं ये संभव के इशारे के साथ में पता चलेगा हम सभी को, लेकिन नहीं एमपी रेड कहा जाएगा 35-28 के मुकाबले। ये टेक्निकल बेहतरीन तरीके से शिकार बना लिया है राजनांदगांव ने, और आक्रमण पर छाया एक बार फिर सबसे अनुभवी खिलाड़ी बालिका वर्ग में देखें तो छोटी बात नहीं है, भारत के पूरे इंडियन कैंप में इन्होंने मेंबरशिप हासिल की थी, नेतृत्व करने का एक अवसर भी मिला था इनको समझ लीजिए, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो भारत की टीम से खेलती हुई जब दिखाई देने वाली है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हर किसी को ये अवसर मिलता नहीं है, लगभग पूरा लाइन पर खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी भावना का परिचय नंबर 3 की तरफ की डोआडाई यहाँ पर आन पड़ा है नंबर 4 की जर्सी के ऊपर, ये जिम्मेदारी है कप्तान को, भरोसा है इनके ऊपर, और कप्तान को जो भरोसा है उसको कहाँ तक कारगर साबित करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वहीं पर सरेंडर कर दिया है, रिमांड पर लिया है। और यहाँ से निकल गए खिलाड़ी 34-36 के मुकाबले, अभी भी 3 मिनट का खेल आना बाकी है, और जब तक ये खिलाड़ी है कोर्ट के ऊपर अनहोनी को होनी कर देगी, लेकिन यहाँ पर प्लांट हो गई, राजनांदगांव की टीम वापसी करता हुआ यहाँ पे 3 मिनट से है, लंबे गज के रेडर हैं, लंबे स्टैंड के साथ हैंड टच करने का प्रयास जारी है अभी भी। अंतिम खिलाड़ी के रूप में पता नहीं यहाँ से रिवाइवल हो पाएगा या नहीं, अगर रिवाइवल दिलाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी वापसी है हरियाणा की, बराबरी पर है, दोनों टीम बराबरी पर है, कौन से टीम बाजी मारेगी
ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है कबड्डी, यही है। अब यहाँ से पलड़ा एक बार फिर झुकता हुआ हरियाणा के पक्ष में, तो यहाँ से छाया को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना होगा, लेकिन निरंतरता पर करार रखनी होगी। कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं, अभी भी 2 मिनट का खेल आना बाकी है। 2 मिनट में पूरी कायनात बदलती है, अभी तो 2 मिनट बाकी है, पूरी टीम बाकी है आप लोगों के पास में, तो जोखिम नहीं लेना चाहती है। बोनस के लिए जाना चाहेगी नंबर 4 की ये खिलाड़ी, 36-37 के मुकाबले। अरे चाचा जोखिम लेना होगा, इसको रोकना होगा, इसको नहीं रोका मतलब आप निश्चित रूप से अपने आप को पीछे पाएंगे। और धीरे धीरे बढ़त को कंसोलिडेट कर रही है हरियाणा, बिल्कुल अब समय को औपचारिकता को खत्म करने का पूरा प्रयास है। खेलने का जो तरीका है, अंदाज है, ये बिल्कुल निराला है। बोनस प्राप्त किया है, काफी इनको शक्ति चढ़ रही थी। जितने भी खिलाड़ी ब्रदर्स हैं बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं टीम के जो कंसोलिडेट है उसको देख करके, लेकिन फर्क झपकते ही कभी कर बदलेगा हो गया। काजल ने इतना होल्ड मारा है, काजल ने बिल्कुल आंखों से काजल चुरा लिया है। पैसा देवे नंबर 1 खिलाड़ी, खुशी ने सभी को खुशी दिया है। अपने जितने भी खिलाड़ी मेंबर्स आए हुए हैं दिल्ली से हरियाणा से उनको ढूंढने का, तो ही अपने आप को पीछे पा रही है, 3 अंकों से पीछे पा रही है हरियाणा के अगेंस्ट में। हरियाणा कंसोलिडेट कर रही है, अपने आप को आगे पा रही है अगेंस्ट राजनांदगांव के विरुद्ध में। तो यहाँ पर सुपर रेड का एक दरकार है और छाया को एक कारनामा करना होगा, इसको नहीं रोक पाएंगे। प्लांटों का फासला अभी कम हुआ, 38-39 सिर्फ 1 ही अंक का बढ़त है, इसको रोकना चाहिए राजनांदगांव। देखते हैं यहाँ पर क्या करिश्मा कर पाते हैं नंबर 9 के खिलाड़ी। बोनस का आंकलन तो किया है, लेकिन पूरी तरीके से हुआ है या नहीं आने वाला सिग्नल बताएगा।